भारतवर्ष में ऐसा कौन होगा जो पूर्णिमा के व्रत और महत्व के बारे में नहीं जानता होगा। हर साल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, प्रत्येक महीने एक पूर्णिमा आती है और हर महीने की पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस वीडियो में जिस पूर्णिमा की हम बात करने जा रहे हैं वो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जो 24 जून 2021 को पड़ने वाली है, यानी कि 24 जून की सुबह प्रातः 3:32 पर शुरुआत होगी पूर्णिमा तिथि की और पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और 24 तारीख की रात को 12:09 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी 24 तारीख की रात और 25 तारीख की सुबह ये तिथि समाप्त हो जाएगी रात को 12:09 पर। 24 तारीख की सुबह 6:06 पर बहुत ही शुभ योग प्रारंभ होगा पूर्णिमा तिथि के साथ साथ, जो कि शुक्ल योग है, और शुक्ल योग में जब यह पूर्णिमा प्रारंभ होगी तो इसका महत्व काफी गुना बढ़ गया। इसके अलावा जिस दिन यह पूर्णिमा है उस दिन गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, और आप सभी जानते ही हैं कि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह भगवान श्री नारायण का दिन है, और पूर्णिमा भी भगवान श्री नारायण को समर्पित है, क्योंकि पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाती है, साथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, और चंद्रमा को अर्घ देने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ में धन वृद्धि के भी नए नए आयाम खुलते हैं। जो भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं उनको 24 तारीख को व्रत रखना चाहिए और 24 तारीख को भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा आराधना अपने घर के अंदर करनी चाहिए। पूर्णिमा कभी कभी दो पड़ जाती हैं, एक दिन स्नान की पूर्णिमा पड़ती है और एक दिन व्रत की पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार पूर्णिमा एक ही है, व्रत की पूर्णिमा और स्नान की पूर्णिमा एक ही है, इसलिए 24 तारीख को ही आप पवित्र नदी जैसे कि गंगा नदी इत्यादि में आप 24 तारीख को ही स्नान करें, और स्नान करने के बाद यदि आपको पूर्णिमा का पूरा फल प्राप्त करना है तो आप कुछ दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि स्नान करने के बाद जब आप दान करते हैं तो आपका जो फल होता है आपके किए गए कर्म का वह कई गुना बढ़ जाता है, तो स्नान करने के बाद आप दान अवश्य करें। साथ में आप सत्य भगवान की पूजा करते हैं तो फिर आप उसके बाद पूजा भी कर सकते हैं स्नान के बाद। तो 24 तारीख को ही स्नान होगा और 24 तारीख को ही भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी और 24 तारीख की रात को चंद्रमा को अर्घ दे करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूर्णिमा पर किए जाने वाले पूजा के बारे में। प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और मंदिर में जाकर धूप दीप प्रज्वलित करते हुए अक्षत से, रोली से, फल से, फूल से भगवान की पूजा करें। इसके बाद पूरे दिन आप व्रत रखें, शाम के समय पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें, पूजन के बाद आप भगवान का भोग लगाएं। आप भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो पूजा में जो प्रसाद बनता है वह आप प्रसाद बनाएं, पंचामृत बनाएं और उसका भगवान को भोग लगाएं। विधिवत आप माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा एक साथ करें, चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप प्रसाद खाकर व्रत खोलें। इस प्रकार से यदि आप इस पूर्णिमा पर भगवान का व्रत पूजन करते हैं तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत जो कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है, यह व्रत ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा तिथि को भी किया जाता है और यहाँ पर यह व्रत पूर्ण हो जाता है, तो स्वागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया करती हैं, तो यह पूर्णिमा उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी जानकारी पूर्णिमा व्रत के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर श्री हरि अवश्य लिखिएगा।